राधे राधे मित्रों। वैसे तो 8 अक्षर अपने आप में ही पूर्ण है। पूर्ण मतलब बाउंड्री लेस है, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं। अगर 8 को हॉरिजेंटल रख दें तो इनफाइनाइट बन जाता है। इनफाइनाइट मतलब अनंत। इस अष्टमी की तिथि को ही योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूर्ण अवतार लिया था, और ये कथा बहुत अधिक आवश्यक है भगवान श्री कृष्ण के उन भक्तों को जिनको श्री देवरा बाबा के बारे में भी जानना चाहिए। मित्रों, बात है 1986 की, जब बाबा ने देवरिया को छोड़ दिया था और वृंदावन आके बस गए थे। वृंदावन में यमुना जी किनारे बाबा शहर और भीड़ से दूर रहते थे। आखिर बाबा ने हिमालय जाकर अपने शरीर को ब्रह्मलीन करने का निश्चय किया। सारी व्यवस्थाएं कर दी गई थीं। हिमालय पर जाने से पहले बाबा ने दर्शनों की घोषणा कर दी। कई सारे आला दर्जे के अधिकारी, मंत्री और बड़े बड़े लोग बाबा के दर्शन में जुटने लगे। बाबा ने सबको बता दिया कि अब वे शीघ्र ही महासमाधि लेंगे और हिमालय जाकर के महाप्रयाण करेंगे। आखिर वो तिथि भी आई। अगले दिन बाबा को हिमालय जाना था। एक बात आपको बता दें कि बाबा को कभी किसी वाहन से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बाबा को सभी सिद्धियां थीं। बाबा यमुना जी में उतरकर ही जल मार्ग से अथवा वायु मार्ग से, पदार्थ के किसी भी स्वरूप से बाबा ब्रह्मांड में कहीं भी प्रकट हो जाया करते थे। रात्रि को ही बाबा को अदृश्य होकर हिमालय जाना था। छोटे और बड़े महाराज जी बाबा की सेवा में थे। बाबा ने सिर्फ उनको ही ये गुप्त बातें बतलाई थीं। अगली सुबह हुई, लेकिन ये क्या, बाबा हिमालय नहीं गए। भक्त अचंभित हो गए, परंतु कोई भी बाबा से ये पूछने का साहस ना कर सका कि भी हिमालय क्यों नहीं गए। छोटे महाराज जी और बड़े महाराज जी के मन में अथाह खुशी और उल्लास था, क्योंकि उनके प्यारे बाबा अब उनके पास ही रह गए थे। फिर भी वे तो यही चाहते थे कि उनके सरकार उनके पास ही रहें, वे कभी समाधि ना लें और ना ही भक्तों को छोड़कर अपने धाम को वापस जाएं। परंतु बाबा के वाक्यों से ही ये साफ स्पष्ट होता है कि उनके लिए शरीर धारण करना और छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। बाबा ने अपने जीवन काल में कई कायाकल्प किए हैं। कायाकल्प होता है अपने शरीर को फिर से नवनिर्मित कर देना। इसके लिए एक यौगिक तपस्या भी होती है। वैसे तो बाबा को 10 महामुद्राओं की सिद्धियां प्राप्त थीं। महामुद्राओं की सिद्धियों का वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक से सेव कर लीजिए। बाबा के बारे में जानकारी पूर्ण प्राप्त करने के लिए आश्रम के ऑफिशियल चैनल देवराय पर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ श्री बड़े महाराज जी विस्तार से बाबा की कथाओं, लीलाओं और अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। महामुद्राओं की सिद्धि के कारण बाबा खेचरी मुद्रा से अमृतपान करते थे। बाबा को कभी भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, और न ही कभी बाबा को किसी ने सोते हुए देखा था। बाबा के शरीर में कभी कोई रोग किसी ने नहीं देखा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा माई ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जब वे बच्चे थे तब वे बाबा के दर्शनों में आते थे, और जब वे बूढ़े हो गए तब भी बाबा वैसे ही थे जैसे बचपन में थे। उन्होंने प्रयागराज के कुंभ में बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया था। बाबा की कथा में आगे बढ़ते हैं। बाबा हिमालय नहीं गए। छोटे सरकार जी और बड़े सरकार जी बड़े खुश थे। दिन में ही बड़े महाराज जी को बाबा ने अपने पास बुलाया और हंसकर कहा, बच्चा जानना नहीं चाहोगे हम क्यों नहीं गए हिमालय? सरकार जी बोले, जी महाराज जी, अवश्य अवश्य। तब बाबा बोले,
बड़ी गंभीर वाणी में, बच्चा, रात को हमें हिमालय जाने से रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा रानी और यमुना मैया तीनों हमारे पास आए थे। उन्होंने हमसे ना जाने का निवेदन भी किया था और आदेश भी दिया था। अतः बच्चा, परमात्मा के आदेश को ठुकराया नहीं जा सकता। बच्चा, अपनी इच्छाओं को रोककर हर प्रकार से परमात्मा की इच्छा को पूरा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना ही योगी का परम धर्म है। बच्चा, भगवान श्री कृष्ण के मना करने पर मैं नहीं गया। मैंने अपने जाने का संकल्प त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण ने ही बाबा से आगे कहा, बाबा, आप हमारे ही धाम में रहिए और भक्तों को ज्ञान भक्ति योग का संदेश देकर उनका कल्याण कीजिए। इस ब्रजभूमि में ही बाबा लंबे समय तक रहे। 1986 से लेके अपनी महासमाधि लेने तक, यानी 19 जून 1990 तक श्री बाबा सरकार वृंदावन छोड़कर नहीं गए थे। बाबा वहीं रह गए और भगवान श्री कृष्ण बाबा के पास आते रहे। भक्तों की ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिनमें भगवान की बाबा के दर्शनों में आने की खबर मिली है। ये बात स्वयं श्री बड़े महाराज जी ने अपने स्त्री मुख से बताई है कि भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा रानी और श्री यमुना जी बाबा को रोकने के लिए वृंदावन में प्रकट हुए थे। उन्हीं के आग्रह करने से बाबा हिमालय नहीं गए और अपनी समाधि का दिन भी बाबा ने भगवान श्री कृष्ण की तिथि को ही चुना। योगिनी एकादशी को ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में महासमाधि ली थी। भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर अपने परम धाम गए थे। एक बात याद दिला दें, भगवान श्री कृष्ण अपने लोक में सशरीर ही गए थे। भगवान का शरीर यहाँ किसी ने नहीं देखा। ऐसे ही बाबा जब योगिनी एकादशी की तिथि को महाप्रयाण किए थे, उस तिथि को यमुना जी में बाबा का दिव्य शरीर डालते ही अदृश्य हो गया था। कई सारे गोताखोरों ने बाबा की समाधि के बाद तुरंत बाबा के शरीर को स्पर्श करना चाहा, परंतु वहां बाबा के सिर्फ सिंहासन और पुष्पमालाएं ही वहां मिली थीं। बाबा का शरीर अदृश्य हो गया था। बाबा ने पहले ही कहा था, बच्चा, ये शरीर माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं है, अतः काल और मृत्यु का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। बाबा और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही अजन्मा हैं, दोनों ही योगेश्वर हैं। जन्माष्टमी की तिथि हो या कोई सी भी तिथि, भगवान के भक्तों को दर्शन देने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाबा हमेशा आते रहते हैं। परंतु भक्त की इच्छाएं सात्विक ही होनी चाहिए। इच्छाओं में दूसरों का भला छिपा होना चाहिए, तभी भगवान अतिशीघ्र इच्छा पूरी करते हैं। अगर आपके मन में कोई अच्छी इच्छा है तो भगवान से कहने में हिचकिचाइए नहीं। राधे राधे, जय श्री राधे।